थैंक यू थैंक यू। सो उन्होंने कहा ना मेरे साथ कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हैं तो मैं तुमको थोड़ा सा ना अपना इंट्रो देता हूँ। एक तो मैं इंदौर से आया, मेरी फटी हुई है पता है, मैं जब से दिल्ली आया मेरी लिटरली फटी हुई है, क्योंकि मैंने ना दिल्ली को कुछ अलग नज़रों से देखा था। लाइक तुम लोग समझ रहे हो मैं इंदौर में रहता हूँ, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। अब तुम किसी भी कंट्री का कैपिटल सोचोगे क्या आएगा दिमाग में? विकास, डेवलपमेंट, राइट, है ना। मैं दिल्ली आया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच गेट पे एक लौंडा मूत रहा है। मेरा दोस्त जो मुझे लेने आया, मैंने उससे पूछा ये क्या हो रहा है, बोले ये सिस्टम को जल चढ़ा रहा है क्योंकि अंदर मूतने के 10 रुपए लगते हैं। सो माय नेम इज नलिन यादव एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ये मेरा अभी इंट्रो है, बीच में मेरा एक नया इंट्रो बना कि माय नेम इज नलिन यादव एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो जेल गया था। तुम लोग मुनावर फारूकी को जानते हो? जस्ट गिव मी अ चेयर, जस्ट गिव मी अ चेयर। हाँ, राइट राइट। मुनावर फारूकी के साथ मैं भी जेल गया था। मुनावर 35 दिन रहा है, मैं 58 दिन रहा हूँ। मुनावर के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। मुनावर अमेजन प्राइम के साथ नेगोशिएशन चल रहा है मुनावर का, और मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, और लोग मान नहीं रहे कि हिंदू खतरे में, राइट। सो मेरे को ना जेल जाके एक चीज़ समझ में आई। पहले तो मैं तुम्हें जेल का थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। लाइक तुम लोगों ने जो जेल सोचते हो ना, तुम अपने पिक्चर में देखा चूते बनाते बेंच, कुछ नहीं होता, तोड़ दो ये कानून की, कुछ नहीं होता ऐसा, गांड पे लड़ देता है जेल। मैं जेल गया, मेरा चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। गेट के ऊपर से, गेट के ऊपर दो फोटो लगे हुए थे। एनी गेसेस किसका फोटो होगा वो? एनी गेसेस? पीछे से कुछ तो बोलो। महात्मा गांधी, राइट, है ना। आप पहले मिले हो मेरे को जो सच बोल रहा है। वहां पे दो फोटो लगे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मेरे को लगा है, कह रहे आजा 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 आजा। मैं अंदर गया, वहां पे चेकिंग चल रही है। तुम सब लोगों ने संजू मूवी देखी होगी, राइट, है ना। मैंने भी देखी थी। मैं सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता हूँ, ये लोग थोड़ा सा प्रीमियम लग्जरी देंगे अंदर। वो चेकिंग चल रही थी, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं खोला, झुक गया, दो लट दिए उन्होंने घुमा के, बोले इधर नहीं होता है सब, अंदर होता है। मेरे को जेल जाके एक चीज रियलाइज हो गई कि इंडिया में भाई साहब सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लाइक तुम लोग सोचो, मेरे को लड़कियों का नहीं पता, लेकिन लॉन्डो को सेक्स एजुकेशन जाके कब कब पढ़ाया जाता है? 10th में जाके एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, राइट, है ना। लॉन्डो को वो बातें 4th से पता थी। सच बता रहा हूँ, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा था ना, लॉन्डे बैक बेंच से डाउट क्रिएट कर रहे, बोले सर ये जो डायग्राम इतना सीधा बना है थोड़ा टेढ़ा करो इसको। उधर से टीचर कह रहा है तेरा भी टेढ़ा है। लाइक इफ यू गाइस रिलेट विद मी, जस्ट गिव मी अ फकिंग लाउड चीयर कि हमको सेक्स एजुकेशन कौन दिया? एक हमारा कोई चूतिया दोस्त जो एक दिन हमारी जिंदगी में प्रकट हो गया और हमें दुनिया का सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त करवा गया, जो हमें बता के गया कि रात को जो आवाज सुन के तुम डर रहे थे ना, वो भूतों की नहीं, तो मेरा एक ऐसा दोस्त था आशु। मैं एक दिन अपने घर की बालकनी पे खड़ा हूँ, आया मेरे पास, पूछा क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं। बोलते तेरे को पता है अपन कैसे पैदा हुए? तो मैंने उसे वही बताया जो तुम सबके माँ बाप ने तुम्हें बताया हो। तो आशु बोला भक्त छूती है, आज मैं बताता हूँ तुझे। और आशु के पास ना एक स्टोरी थी। अब लाइक अब तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो, राइट, है ना, कुछ कुछ याद आ रहा है। ये जो भी लौंडा होता है इसके पास स्टोरी होती है, ये हमको ऐसा यकीन दिलाता है कि इसने लाइफ देखा है, कहीं तो किसी का बिस्तर खुला रह गया था, छुप गया था ये, है ना। मतलब जिस नाली में तुमको गू दिख रहा था ना, ये वहां पे सेक्स देख रहा था, समझ रहे हो तुम। और आशु के पास स्टोरी थी, और आशु बहुत अच्छा ओरेटर था। आशु ने क्या करा, स्टोरी में कैरेक्टर चेंज कर दिया। आशु ने जो स्टोरी सुनी थी उसमें एक लड़का था एक लड़की थी, आशु ने कैरेक्टर चेंज करे, उसने लड़के की जगह रखा हमारे पड़ोस वाले अंकल को, लड़की की जगह उनकी वाइफ को। अब स्टोरी समझ रहे हो कितनी रियल हो चुकी है। मैं अपनी चरम सुख पे सीमा पे हूँ, और इसी में ना आशु ने मेरा दिल तोड़ दिया। आशु बोला तू हंस क्या रहा है चूती है, तू भी तो ऐसे ही पैदा हुआ है। मैं इंडियन औलाद हूँ, राइट, है, दुनिया कर रही होगी सेक्स, बायोलॉजिकली ऐसे होते होंगे बच्चे। मेरी माँ नारियल लेके वैष्णो देवी गई तब पैदा हुआ मैं। मैंने आशु बोला मत करिए, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। आशु मान ही रहा, आशु इतनी चिरांड औलाद है ना, मैं लिटरली जितना उसको मना करो ना मान ही नहीं रहा वो। मैंने वही किया जो हर कमजोर बच्चा करता है, मैं आशु मम्मी को आवाज लगा दी
आशु की मम्मी आ भी गई, इतनी फ्री रहती थी। आशु की मम्मी आई, मेरे से पूछ रही क्या हुआ। मैंने आपको पता है आपका लड़का कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, छी छी, हाँ आपको बताऊंगा आपके कान फट जाएंगे कान। आशु की मम्मी बोली क्या है जल्दी बोलना। मेरे पता नहीं क्यों अचानक से दिल में ना दोस्ती जाग गई। मैंने आशु की तरफ देखा, आशु क्या करूँ बता दो। मैंने बोला ना आशु इतनी गणमरी ग्यारस थी ना आशु। आशु आशु मेरी तरफ देख के कहता है हाँ मैंने क्या किया है बता दे। मैं फिर से पूछा पक्का बता दो। हाँ बता दे ना पक्का। हाँ मैंने बता दिया। मैं स्टोरी टेलर मैं भी हूँ ना, तो मैं कैरेक्टर चेंज कर दिया है। मैंने अंकल की जगह रखा आशु के पापा को। बहुत मजा आया उस दिन। जेल में भी बहुत मजा आए थे, बहुत अच्छी जगह जेल। मेरे से जो पूछना है जेल कैसे था, मैंने आप जाके देखो प्लीज। एक चुटकुला करो जाओ, मैं तो किया भी नहीं था। इस पे भी हंस सकते थे तुम चाहो तो। वैसे दुख की बात है ये, राइट है ना, है ना। और तुम्हें पता है ये जो अभी मैंने सेट किया ना, सेट हो चुका है, मेरा रिकॉर्डिंग भी हो चुका है। ये जो अभी मैंने सेट किया ना, यही सेट मैंने उस दिन किया था। पता है ये सेट मैंने आज तक कभी लिखा नहीं है, ये हाई कोर्ट के चालान में टाइप कर दिया उन्होंने। हम मैं यहाँ से घर जाऊँगा, उसी में करेक्शन कर रहा हूँ। ओके गाइस, दैट वाज माय टाइम, दिस इज माय इंसाइट, थैंक यू सो मच गाइस, यू आर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस।